स्टूडेंट, आज हम लोग पाइनोमियल चैप्टर के लिए एक्सपेंशन करना और फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। ठीक है, उसके पहले देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में सर्कुलेट करिए, है ना। और साथ में हमारी कोशिश रहेगी कि वीकली हर संडे को हमारा एक ऐसा वीडियो आए जो सबके इंटरेस्ट का हो, जिसमें कोई मोटिवेशनल थाट भी हो सकता है, हमारी लिखी हुई पोएट्री भी हो सकती है। तो आप कोशिश करिए कि आपके पेरेंट्स और फ्रेंड सर्किल में लोग इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पिछले पार्ट में हमने कुछ आइडेंटिटीज़ बताई थी और कहा था कि उन आइडेंटिटीज़ को आप समझिए और लर्न करिए। अब हम लोग उसका यूज करके यहाँ पे एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x + 1³, है ना, यह 2x + 1³ करना है। तो देखिए, यह इस आइडेंटिटी के करेस्पॉन्डिंग है। देखिए, a + b³, दो क्वांटिटी के सम का क्यूब, तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब प्लस 3 times फर्स्ट इंटू सेकेंड और ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो चलिए इसको फॉलो करते हुए इस एग्जांपल को देखते हैं जो लिखा हुआ है 2x + 1³। अब यहाँ पे देखिए, a के प्लेस पे क्या है, देखिए 2a है ना, 2x है, ठीक है 2x, तो a का क्यूब। b के प्लेस पे क्या है, 1, तो 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब। b के प्लेस पे क्या है, देखिए यहाँ b लिखते तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 का क्यूब, ठीक, प्लस अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3, a की जगह क्या लिखेंगे 2x और b की जगह क्या लिखेंगे 1 और ब्रैकेट में क्या a + b। ठीक, देखिए फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब 3 times फर्स्ट इंटू सेकेंड और ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 8 ना, x का क्यूब x³, 1 का क्यूब 1, अब देखिए 3 × 2 = 6x मल्टीप्लाई हो गया, तो देखिए 6x और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 × 2 = 6, 2 = 12 और उसके बाद देखिए x मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया x² और 3 × 6x था 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 6x। ठीक है, तो यह देखा कि हम लोगों ने 2x + 1³ मतलब एक्सपेंशन कर लिया। आप ठीक, अब आते हैं देखिए सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट क्या है, 3/2x + 1³। अब यहाँ पे देखेंगे कि a के प्लेस पे 3/2 है ना, तो 3/2 मतलब a का क्यूब, b के प्लेस पे क्या है तो 1 का क्यूब, 3 times a के प्लेस पे क्या है 3/2x, b के प्लेस पे क्या है 1 और ब्रैकेट में कितना a + b मतलब 3/2x + 1। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का क्यूब 27 है ना, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³, देखिए 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³, 1 का क्यूब 1, हम मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 3 × 3 = 9, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 9/2x, ब्रैकेट में कितना 3/2x + 1। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं, 27/8 x³ + 1, अब देखिए मल्टीप्लाई करिए 9 × 3 = 27 और 2 × 2 = कितना 4, 27/4 और x² देखिए यह हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2x × 1, तो 9/2x। तो ये देखा कि ये दूसरा एक्सटेंशन भी हम लोग कर पाए। अब देखिए जो इसका तीसरा पार्ट है उस पर आते हैं, क्या लिखा है x − 2/3y³। अब देखिए यह इस आइडेंटिटी पे है a − b³, तो देखिए a के प्लेस पे क्या है x ना, तो x का क्यूब, ठीक, b के प्लेस पे क्या है 2/3y, तो 2/3y³, प्लस देखिए क्या है 3 times a के प्लेस पे क्या लिखेंगे x और b के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2/3y, है ना, और उसके बाद इनटू क्या लिख देंगे a − b, मतलब क्या लिख देंगे x − 2/3y। ठीक है, ये लिख दिया, अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, x³, ठीक है 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना 27, y का क्यूब y³, अब देखिए यह सिंप्लीफाई करिए, 3 से 3 कट जाएगा ना, इनटू है तो ठीक है 2xy, तो 2xy और ब्रैकेट में कितना x − 2/3y। अब चलिए ब्रैकेट को भी ब्रेक कर लेते हैं, x³ − 8/27y³, अब देखिए 2xy मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई हो गया नंबर, x क्या हो गया x² × y, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, नंबर पहले मल्टीप्लाई करिए 2 × 2 = कितना 4/3, नंबर मल्टीप्लाई हो गया ना, x तो ऐसे ही रह गया और y मल्टीप्लाई हो गया y², तो आप देखिए कितना आ गया x³ − 8/27y³
माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर वाई थ्री वाई एक्स वाई स्क्वायर। तो यह हम लोगों ने देखा कि जो दो आइडेंटिटीज थी इसका यूज करके यह एक्सपेंशन हम लोग कर पाए। चलिए फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर टू, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, एट ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी है प्लस सिक्स ए बी स्क्वायर है, सही है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यह किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, क्या क्यूब जैसे टर्म इन्वॉल्व हैं, तो देख रहे हैं कि इस जैसे टर्म्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप देखिए बहुत आसान तरीका है कि पहले को आप मैनेज करिए कि यह किसका क्यूब हो सकता है। तो आप इसलिए देखिए टू का क्यूब होता है तो ये टू ए का क्यूब है ना, और दूसरा क्या है बी क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप इसमें कर क्या सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन ले रहे हैं दिख रहा है वह कॉमन ले लेते हैं, सिक्स ए बी कॉमन दिख रहा है, चलिए ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर देखेंगे टू ए बचेगा और यहाँ पर देखेंगे बी बचेगा, सही है। तो ये अरेंजमेंट देखिए कुछ इस टाइप का हो गया, टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए फार्मूले के हिसाब से हमको थ्री बचाना है ना, तो आप सिक्स को लिख सकते हैं थ्री और टू ए बी प्लस देखिए टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर्मेट क्या है, देखिए फर्स्ट के जगह यहाँ पर टू ए है तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब थ्री टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड और ब्रेकेट में फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो यह हो गया टू ए प्लस बी का होल क्यूब। चूँकि होल क्यूब है ना तो इसको आप थ्री टाइम्स लिख दीजिए, ठीक है, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं लेकिन हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो यह इसका फैक्टराइजेशन हो गया इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए, कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल क्यूब। चलिए आप इसमें देखिए सेकेंड पार्ट पर आते हैं और यह क्या लिखा गया है, ट्वेंटी सेवन पी क्यूब, ठीक, माइनस वन अपान टू हंड्रेड सिक्सटीन, चलिए ठीक है, माइनस नाइन बाई टू पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन अपान फोर पी, सही है। तो पहला काम देखिए यह है कि आप ये देखिए कि यह किसका क्यूब हो सकता है, तो ऑब्वियसली यह थ्री का क्यूब है, ट्वेंटी सेवन थ्री पी का क्यूब है ना। और दूसरा जो नंबर है वह किसका क्यूब हो सकता है, तो अगर आप ट्रायल बेसिस पे देखेंगे या तो फिर फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह सिक्स का क्यूब होता है, ठीक है, वन अपान सिक्स का क्यूब, ठीक। अब उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे फार्मूले के हिसाब से आपको इंतजाम, यहाँ पर देखिए यह वाला फार्मूला है, थ्री का भी करना है और साथ में ए की जगह थ्री पी का भी करना है ना, यह दोनों इंतजाम आपको करने हैं, ठीक। अब हम लोग यहाँ से यही काम करने वाले हैं, किस तरीके से करेंगे वह आप देखिए, ठीक है। देखिए आप क्या करिए, एक आसान तरीका है कि आप जो फार्मूले के हिसाब से लिख लीजिए, थ्री पी का क्यूब है वन अपान सिक्स का क्यूब है ना, तो पहले लिख दीजिए थ्री और उसके बाद जो कि जो पहला नंबर है थ्री पी वह लिख दीजिए, ठीक, और जो दूसरा नंबर है वह लिख दीजिए और उसके बाद अगले ब्रेकेट में आप पहला नंबर लिख दीजिए थ्री पी और दूसरा नंबर वन अपान सिक्स जो है यह लिख दीजिए, ठीक। अब उसके बाद एक काम आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा यह हमने रिवर्स तरीका बताया कि क्या यह मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ रहा है, तो आप देखिए क्यों नहीं आएगा या क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए यह आएगा कितना, थ्री है ना, तो ये थ्री कट जाएगा, ठीक। तो यह आप देखेंगे थ्री पी बाई टू आएगा, तो थ्री पी बाई टू जब इसमें मल्टीप्लाई होगा थ्री पी में तो नाइन पी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, और थ्री पी बाई टू जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यह 1 बाई फोर पी आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि क्या यह इतना आ रहा है, अगर इतना आ रहा है तो यह एडजस्टमेंट सुटेबल है। ये देखिए शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं कि आप यह इन दोनों से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह अगर क्यूब होना है तो 3p माइनस वन अपान सिक्स का क्यूब होना है, तो अगर 3 माइनस वन अपान सिक्स, ठीक है, 3p माइनस वन अपान सिक्स का क्यूब होना है तो फिर इस फॉर्मेट में होना चाहिए ना, फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब माइनस थ्री टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड और फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो आप ये दो टर्म से अंदाज़ा लगाएं, अगर ये मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है इसका मतलब ये एडजस्टमेंट सुटेबल है। अब आप इसको कुछ नहीं करना है, लिख दीजिए थ्री पी माइनस वन अपान सिक्स का क्यूब। अब इसको देखिए आप थ्री टाइम्स लिख सकते हैं ना, क्यूब है तो वन थ्री पी माइनस वन अपान सिक्स, फिर क्या थ्री पी माइनस वन अपान सिक्स, फिर क्या थ्री पी माइनस वन अपान सिक्स। फिर से हमारी बात को ध्यान से सुनिए, एक आप इसमें कॉमन लेकर के थोड़ा टाइम दे करके निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप बहुत इजीली पहले को देखिए कि किसका क्यूब है और दूसरा किसका क्यूब है, फिर इन दोनों को समझते हुए ऐसा लिखने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि यह जो टर्म है क्या इसको अगर हम प्रोडक्ट कर लेंगे, आप रफ पे करके देखेंगे
तो क्या यह सिंप्लीफाई करने पर इतना आ रहा है? अगर आ रहा है तो यह एडजस्टमेंट आपका सुटेबल है। तो देखिए, यह दो जो आइडेंटिटीज हम लोग यहाँ पे मेंशन किए थे उसका यूज करके हम लोगों ने एक्सपेंशन भी किया और साथ में फैक्टराइजेशन भी कर पाए। तो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जहाँ पे यह तीन टर्म है जिनके एक्सपेंशन हम लोगों को करने हैं, साथ में फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह जो फैक्टराइजेशन या एक्सपेंशन है वह किस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो ठीक है, देखिए ये स्क्वायर है ना, तो यह आइडेंटिटी हम लोगों ने मेंशन किया था, क्या था, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस टू टाइम्स बी सी प्लस टू टाइम्स सी ए। ठीक है, आप यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकते थे। तो खैर, ये आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों को यह एक्सटेंशन करना है। तो देखिए, पहले वाले पार्ट पे आते हैं, क्या है, x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए क्या होगा, पहले a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या, टू वाई का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब क्या, फोर जेड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स, देखिए a की जगह क्या x और बी की जगह क्या 2i। ठीक है, प्लस टू टाइम्स फिर देखिए क्या है बी सी, तो बी की जगह कितना 2i और सी की जगह कितना 4j। ठीक, फिर प्लस टू टाइम्स क्या, टू टाइम्स सी ए, सी मतलब कितना 4j और यहाँ पर फिर a है ना, a की जगह क्या है यहाँ पे x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 वाई स्क्वायर हो गया ना, यह 2 का 4 और y का वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर हो गया, सही है। अब यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 एक्स वाई प्लस 2 इंटू 2 4 और 4 4 जा 16, नंबर 16 हो गया y इंटू जेड प्लस 2 4 जा 8 जेड इंटू एक्स। तो देखिए यह एक्सपेंशन हम लोग कर पाए हैं ना। दूसरा देखिए हम लोग देखते हैं क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। चलिए ठीक है, देखिए फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए सेकेंड जो है वह माइनस वाई है, ठीक है, y नहीं, सेकेंड क्या है माइनस वाई, तो सेकेंड का स्क्वायर और थर्ड क्या है जेड, तो जेड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स, देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड मतलब क्या 2x इंटू माइनस वाई, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह माइनस वाई है, साइन साथ में लेंगे तब यहाँ प्लस रहेगा, है ना, प्लस टू टाइम्स क्या माइनस वाई इंटू जेड। ठीक है, क्यों, सेकेंड और थर्ड बी सी, देखिए प्लस टू टाइम्स थर्ड, थर्ड कितना है जेड और फर्स्ट कितना है 2x, बाकी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, तो y स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए, 2 2 जा 4 और माइनस, तो माइनस हो जाएगा, नंबर 4 हो गया x इंटू वाई। ठीक है, देखिए माइनस मल्टीप्लाई होगा ना प्लस में, तो माइनस 2 वाई जेड, फिर देखिए 2 2 जा कितना हो गया यहाँ पर 2 2 जा 4 और यह जेड x। तो देखिए ये हम लोग एक्सपेंशन कर पाए किसका, 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या है, 1 बाई 4 ए माइनस 1 बाई 2 बी प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट का स्क्वायर मतलब 1 बाई 4 ए का स्क्वायर, ठीक, सेकेंड देखिए साइन सेट लीजिए, माइनस 1 बाई 2 बी इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए यह हो गया प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 1 बाई 4 ए इंटू सेकेंड, सेकेंड क्या लिखेंगे माइनस 1 बाई 2 बी, माइनस साइन के साथ लिखेंगे ना, प्लस 2 टाइम्स सेकेंड, सेकेंड कितना है माइनस 1 बाई 2 बी इंटू थर्ड, थर्ड मीन्स कितना 1, प्लस 2 टाइम्स क्या थर्ड इंटू फर्स्ट मतलब 1 इंटू 1 बाई 4 ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फार्मूले को अच्छे तरीके से समझ लीजिए और माइनस साइन साथ में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सिंप्लीफाई करिए, तो 1 बाई 4 का स्क्वायर 1 अपान 16 ए स्क्वायर, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है, तो प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पर माइनस है ना, तो पहले आप माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
टू है, अब देखिए टू है ना, तो ये टू को कैंसिल कर देगा, ठीक है, तो वन बाई टू आ जाएगा, वन बाई टू मल्टीप्लाई होगा तो वन बाई फोर हो गया। देखिए साइन पहले ही लगा लिया था ना, टू से कटा वन बाई टू, वन बाई टू इंटू वन बाई टू, वन बाई फोर, और यह ए बी है, ठीक। अब यहाँ पे आते देखिए टू इंटू में है ना, तो टू टू कट गया तो माइनस हो गया, और बी है तो बी लिख दिया, देखिए बाकी वन वन मल्टीप्लाई हुआ या। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्लस, अब देखिए टू से या फोर कटेगा तो हो जाएगा कितना, वन बाई टू ए। तो यह हम लोग क्या यहाँ पर देख पाए कि वन बाई फोर ए माइनस वन बाई टू बी प्लस वन का यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था। तो हम लोगों ने आइडेंटिटी जो है उसको यूज किया और इसको एक्सपेंड कर पाए। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि देखिए यह जो टर्म था इसको आप ऐसे देखिए, वन बाई फोर ए है, दूसरा जो टर्म इसमें है वह माइनस वन बाई टू बी है, ठीक ऐसे, और तीसरा टर्म क्या था, वन। अब इसको हम लोग इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, तो देखिए अब ए की जगह वन बाई फोर ए, और यह जो यह प्लेस था इसके प्लेस पे देखिए माइनस वन बाई टू बी, और इसके प्लेस पे वन दिख रहा है। मतलब यह कि इस फॉर्मेट में लाने के लिए माइनस साइन को हम लोगों ने एडजस्ट किया है। ब्रेकेट आप यहाँ पे बड़ा भी लगा सकते हैं, और समझ रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यह देखा कि यह जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है उसका यूज करके यह एक्सपेंशन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर यह जो दो एक्सपेंशन लिखे गए हैं इनको फैक्टराइज करना है। तो देखिए हमने पहला एक्सपेंशन लिख दिया, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर जैसे टर्म्स हैं, है ना, स्क्वायर जैसे टर्म्स हैं, तो हम लोग की बेसिक आइडिया यह है कि स्क्वायर जैसे टर्म्स हैं तो इस पर एडजस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए कि जो इधर टर्म लिखे गए हैं क्या इसमें सब प्लस हैं, तो अगर आंसर मिलता है कि हाँ तब आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, और अगर आंसर मिलता है कि नहीं तब थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यह देखिए, ठीक है, कि इसमें जो एक्स वाई जेड यूज हुए हैं तो जो माइनस है उसमें कौन सा टर्म कॉमन है, क्या जो माइनस उसमें दोनों जगह एक्स है, या दो जगह माइनस है तो क्या दोनों जगह वाई है, या दोनों जगह जेड है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि देखिए यह दोनों जगह माइनस है और दोनों जगह जेड इन्वॉल्व है, माइनस में एक्स और वाई है जरूर लेकिन दोनों जगह नहीं है ना, दोनों जगह कौन है, जेड। इसका मतलब है कि जेड वाला जो टर्म है आप उसको माइनस में एडजस्ट करिए। अब देखिए कैसे होगा, बहुत परेशान नहीं होना है। पहले यह किसका स्क्वायर है, ये देखिए टू एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, हम कहेंगे यह किसका स्क्वायर है तो कहेंगे आप थ्री वाई का स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। अब इसको हम कहेंगे तो कहेंगे भाई सिक्सटीन है तो फोर का और जेड है तो जेड का स्क्वायर है, लेकिन हमको यहाँ पे देखिए माइनस एडजस्ट करना है, तो आप माइनस किस में करेंगे, अभी बताया कि जहाँ दो जगह आपको माइनस दिख रहा है तो उसमें देखिए कि क्या कॉमन है, क्या एक्स वाला एक्स दोनों जगह है, या दोनों जगह वाई है, या दोनों जगह जेड है, तो देख रहे हैं जेड दोनों जगह है, यानी जेड वाले टर्म में आपको माइनस मैनेज करना है। क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है ना। अब इसको ऐसे लिखने की कोशिश करिए, देखिए टू टाइम्स, यह क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू टाइम्स ए बी, तो ए बी देखिए यहाँ पे ए कितना है 2x और बी कितना है 3y। अब इसको मैनेज करिए कि क्या यह मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है, अगर आ रहा है तब तो ठीक है, देखिए 3 2 6 6 2 12 xy, बिल्कुल सही आ गया ना। फिर प्लस लिखिए, प्लस ही लिखिए, देखिए उसके बाद क्या फॉर्मूला कर रहा है 2bc, b की जगह कितना है 3y, और यहाँ पे c की जगह आपका कितना है -4z। अब इसको देखिए लिखना तो ठीक है, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कि इतना आ रहा है, अगर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक लिखें आप, देखिए 3 2 6 6 4 24 आ रहा है वाई जेड और माइनस आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। फिर 2 times देखिए सी, सी मतलब यहाँ पे क्या है -4z, और उसके बाद ए की जगह कितना है 2x। अब इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हुआ इतना आ रहा है, तो 4 2 8 2 16 माइनस आ रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आप इसको लिखने की स्थिति में हो गए 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। अब आप इसको चाहिए तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या इसी को आप दो बार लिख दीजिए 2x + 3y - 4z, और फिर अगेन लिख दीजिए 2x + 3y - 4z। तो देखिए कितने आराम से हम लोग इसको फैक्टराइज कर पाए। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, तो ये क्या है 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2 y z - 8x z।
तो पहले यह जो एक्सपेंशन था हमने लिख लिया 2x² + y² + 8z² - 2√2xy 4√2yz - 8xz। तो अब सबसे पहले फिर यही बात यहाँ पे देखना है कि माइनस कहाँ पर है, तो दो जगह माइनस है ना। अब देखिए उसमें क्या x, y, z जैसे टर्म्स हैं तो क्या कॉमन है, तो देखिए x वाला यहाँ पे टर्म, x वाला टर्म यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे x वाला, दोनों जगह x है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखिए, ध्यान दीजिए किस तरीके से लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर के टर्म में पहले लिखिए, तो क्या 2 किसका स्क्वायर है, रूट 2x, ठीक। तो आप इसको लिखिए लेकिन यहाँ पे लिख दीजिए माइनस, तो यह इसका स्क्वायर हो गया, ठीक बात है। प्लस अब बाकी की दिक्कत नहीं है, वाई स्क्वायर। अब ये देखिए यह किसका स्क्वायर है, यह देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये 8 है, ठीक है। तो अगर इसको आप देखेंगे तो 2√2 का स्क्वायर है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यह हो गया इस फॉर्म में। अब इसके बाद देखिए फिर क्या लिखिए, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, तो देखिए -√2x ए हो गया और बी की जगह पे वाई हो गया, प्लस 2 टाइम्स, और देखिए बी सी, बी की जगह वाई हो गया और सी की जगह कितना हो गया यहाँ पर 2√2z, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 2 टाइम्स क्या यहाँ पर c, मतलब क्या 2 टाइम्स 2√2z और मल्टीप्लाइड बाई -√2x, तो ये हमने लिखा। अब इसको देखते हैं कि क्या यह इतना जो सेटअप किया गया है वह इतना आ रहा है, चेक करिए। देखिए -√2xy आ रहा है, यह देखिए 2 2 जा 4 4√2yz आ रहा है, और देखिए 2 2 जा 4 और √2√2 2 और 4 2 जा 8 -8xz आ रहा है ना। तो यह स्क्वायर किसका हो गया, -√2x + y + 2√2z का स्क्वायर, तो आप इतना लिख सकते हैं। देखिए आप एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि आप बुक में आंसर देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि यह प्लस दे दे या दोनों माइनस दे दे। उसका रीज़न है कि देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सबका साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। क्या लिख दीजिए, √2x - y - 2√2z। तो आप फ्री हैं, या तो आप पहले को माइनस लिखिए, इन दोनों को प्लस लिख दीजिए, या फिर सबका साइन चेंज कर दीजिए। आप जब एक्सपेंड करेंगे तो सेम एक्सटेंशन आएगा। तो यह ध्यान रखना है कि अब इसको याद नहीं करना है, यह समझने वाली बात है कि अगर ये माइनस आप कॉमन लेंगे तो यह माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस से माइनस और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि इसको माइनस लिखिए तो इन दोनों को प्लस लिखिए, या इसको प्लस लिखिए तो इन दोनों को माइनस लिखिए। तो देखिए आज का जो क्लास था इसमें हम लोगों ने आइडेंटिटी का यूज़ करके कुछ फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन सीखे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और आइडेंटिटीज़ और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।